हेलो बच्चों, न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ली होगी अभी की। ये न्यूज़ फेक नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम को लेके जो न्यूज़ आई है, नरेंद्र मोदी की डेस्क ने, हमारे पीएम साहब ने खुद ट्वीट करके बच्चों को बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो 12th बोर्ड का कैंसिल करने के लिए डिसीज़न लिया गया है। सो, बहुत मेहनत करी हमने पूरे साल, मैंने भी, आपने भी, आपने बहुत मेहनत करी बच्चों। बट देखो, ये टाइम सच में ये डिसीज़न लेने का था, एक्सपेक्टेड था कि डिसीज़न ये ऐसा आएगा कि ये ज़रूर कैंसिल किया जाएगा। खैर, अब ये कैंसिल किया गया है क्योंकि कुछ भी जान से बढ़ के नहीं होता है बच्चों। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में जाते अगर कोई भी एक्सपोज़र होता है इस टाइप का तो ज़रूर ये चीज़ें फैलती, और एक से दो को, दो से तीन को चेन को तोड़ना ज़रूरी था, तो ज़िंदगी से ज़्यादा तो ज़रूरी है नहीं। सो, बहुत अच्छा डिसीज़न था कि इसको कैंसिल किया गया। और यूथ की आवाज़ गवर्नमेंट क्यों नहीं सुनेगी? तब से हमारे हर जगह पर जहाँ भी देखें तो यूथ यही मांग कर रही थी कि प्लीज़ कैंसिल द एग्ज़ाम, प्लीज़ कैंसिल द एग्ज़ाम, हर जगह हैशटैग चल रहे थे। सो, ठीक है, अल्टीमेटली कैंसिल कर दिया गया है एग्ज़ाम को। सो, नाउ अब फोकस अपना ये रहेगा कि आपने जो भी पूरे साल पढ़ा है उसको बर्बाद मत होने दीजिए। जो भी हमने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पढ़ा, ये टाइम है कि उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ा उसको यूटिलाइज़ करो जेई मेन के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखो, सिलेबस तो अपने पास है, अपने ने जो 12th में अपन ने जो पढ़ा, अपने जो 11th में पढ़ा, उन सबको रेडी करो। अब ये वो टाइम है, अब आप फ्री हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम को लेके। मार्क्स जो मिलना है वो मिल जाएगा। आपने प्री बोर्ड दिया था, कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड हुआ है, दो बार भी हुआ है, गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से एक बार प्री बोर्ड हुआ था, तो वो अपने हिसाब से उसके मार्क्स दिए जाएंगे। वाइवा आप लोगों का हो ही गया था, तो वो सब ज़रूर आपको फेयर करेगी गवर्नमेंट, सबके साथ करेगी, बच्चे अच्छे मार्क्स आएंगे। अब जो मेन अपने पास आगे का फ्यूचर अभी दिख रहा है कि अभी हम इंस्टेंट हमें क्या करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग जुट जाओ अभी से, आज से अभी से जुट जाओ अपने जेई एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि हाँ, ये बात भी सच है कि पोस्टपोन्ड होगा, तो अभी जो भी एक्सपेक्टेड डेट पहले ये लोग बता रहे थे नीट के लिए, जेई के लिए, वो जो है पोस्टपोन होने वाला है। तो आज पिछले, भले ही आपने पिछले दो और तीन, भले आप लोगों के जेई एग्ज़ाम ख़राब गए हो, जो अटैम्प्ट अच्छे नहीं रहे हो, तो कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है। तो ये वाला अटैम्प्ट बिल्कुल अच्छे से करो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो भी डाउट है आप प्लीज़ मुझसे आस्क कीजिए, मुझसे पूछिए, मुझे फ़ोन करो, ठीक है बच्चों? और ये टाइम घर में रहो, ठीक है? गवर्नमेंट आपके बारे में सोच रही है, आपके भले के लिए सोच रही है, और ये अच्छा डिसीज़न है। भले कुछ लोगों के लिए, हाँ, मैं थोड़ा सा मैं हताश जरूर हुआ हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस बार। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे, तुम लोग मुझे हमेशा प्राउड फील कराते हो बच्चों, आई प्राउड ऑफ़ यू ऑल। तो सबके लिए मेहनत करो, जेई एग्ज़ाम में दिखा दो कि अभी जितना टाइम तुम्हें मिला है उस एग्ज़ाम को अच्छे से निकालोगे। तो जेई, नीट, जुट जाओ, जुट जाओ, निकाल दो बढ़िया एग्ज़ाम, बढ़िया मार्क्स से, बढ़िया मार्क्स के साथ, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए बस मुझे इतना ही कहना था। होप कि आप सभी अपने घर में रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, भगवान से यही दुआ है, ठीक है बच्चों? थैंक यू।